गेहूं की लिफ्टिंग को लेकर आ रही समस्या को देखते हुए मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बसंत गर्ग ने जिले की विभिन्न मंडियों का दौरा कर किसानों को उनकी फसल की अदायगी जल्द करने का भरोसा दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने रामा मंडी, तलवंडी साबो और मौड़ मंडी में संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीमों को साथ लेकर किसानों को मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। डीसी ने किसानों को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गेहूं की अदायगी आगामी 2-3 दिनों में कर दी जाएगी। आज मैं रामा, तलवंडी ते मौड़ तीन मेन मंडियां का दौरा किया। तीनों मंडियां दे विच जिहड़ी कणक की इस वेले आमद पूरे जोरां ते है। रामा मंडी विच जिहड़ी कणक की खरीद है वो बहुत वधिया तरीके नाल हो रही है। उत्थे आढ़तियां नाल मीटिंग की है, आढ़तियां नाल, लेबर वालियां नाल, ट्रांसपोर्टर नाल मीटिंग करके सारयां ने सानू जिहड़ा है सहयोग का जिहड़ा है आश्वासन दिता है और साडे नाल सहयोग कर रहे हैं। साडी ये कोशिश है कि जमींदार नूं किते भी कोई समस्या ना आवे, जिन्ने भी ढेरियां जिन्नी भी कणक आ रही है वो इमीजिएटली खरीदी जाए। बठिंडा से हजार टीवी न्यूज़ के लिए कुणाल बांसल की रिपोर्ट।